हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सभी। ये हरियाणा प्रवेश का पेपर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। जिसने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके देख लें। पहले क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा को 22वां जिला घोषित किया गया। तो ये 22वां जिला हरियाणा का कौन सा है? चरखी दादरी है। और ये 2016 में बना था चरखी दादरी, 22वां जिला 2016 में बना था। चरखी दादरी में ना कुछ एक पर्यटन स्थल भी है, एक तो है रंगीला हनुमान मंदिर और एक है श्री गुरु नानक सत्संग सभा। ये चरखी दादरी के पर्यटन स्थल हैं और चरखी दादरी से फोगाट फैमिली भी बिलोंग करती है। फोगाट बहने यानी कि गीता बबीता और रितु ये चरखी दादरी से ही बिलोंग करती है। और चरखी दादरी में कहाँ से? बलाली गाँव से बिलोंग करते हैं। चरखी दादरी में हिलना पत्थर भी पाया जाता है, हिलना पत्थर को डांसिंग स्टोन बोलते हैं, जो कलियाना गांव में पाया जाता है। पूरे विश्व में 2 जगह पाया जाता है और ये एक में भारत में चरखी दादरी में पाया जाता है। और जो चरखी दादरी में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है चरखी दादरी के। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो ये कहाँ पर है? ये रोहतक में है। तो हरियाणा में टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र है, एक तो है रोहतक, एक है कुरुक्षेत्र, एक है हिसार। और जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, वह है रोहतक में, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को की गई थी, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र। और जो कुरुक्षेत्र में है ये 1991 में बना था और हिसार वाला 1999 में बना था। और हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भी है जो हिसार में है और जिसका 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था, 1 नवंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, खालिस्तान हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। तो हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? ये धरती थी, जो 1968 में बनी थी। तो इसका जो हरियाणवी फिल्म है, इसका एक पूरा सीरीज बता देता हूँ। 1968 में धरती आई थी और 1970 में हरफुल सिंह जाट दुलानी को इसे सेकंड फिल्म आई थी। फिर आई थी 1974 में वीर शेरा 1974 में आई थी। फिर 1982 में बहुरानी आई थी 1982 में। और ये बहुरानी प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म है। बहुरानी 1982 में आई थी, बनी थी, ये प्रथम हरियाणवी फिल्म है, प्रथम सफल हरियाणवी फिल्म है बहुरानी, 1982 में बनी थी। और जो चंद्रावल है ये सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है, जो 1984 में आई थी, बनी थी, सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी है? चंद्रावल, जो 1984 में बनी थी। और जो कुछ है जो सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक है ना, जिसने सर्वाधिक फिल्म हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन है? वह है जयंत प्रभाकर। और हरियाणवी फिल्मों के सुपरहिट अभिनेता कौन सा है? वो जगत जाखट है। वो कहाँ से है? जगत जाखड़ ये है हिसार से है। जगत जाखड़ कहाँ से है? हिसार से है। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। एक्चुअली जो 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा ना खालसा पंथ की शुरुआत की थी, बैसाखी वाले दिन ही 1999 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन किया गया था। तभी से जो सिख समुदाय वाले लोग हैं तो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं अप्रैल में। और हरियाणा में सिख कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? वे सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लूर नृत्य खालिस्तान त्यौहार में किया जाता है। तो लूर नृत्य ये खालिस्तान में किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है और लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसको हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में होता है ये नृत्य, लूर नृत्य बांगड़ क्षेत्र में होता है, होली के अवसर पर लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। तो ये संवहनी वेस्कुलरी ये पशु उत्तक का एनिमल टिश्यूज का भाग नहीं है, बाकी जो उपकला पेशी तंत्रिका ये है, बाकी संवहनी जो है वेस्कुलरी है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के पोषण के लिए खालिस्तान ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है। तो ये छोटे बच्चों के पोषण के लिए जो स्तनधारी वर्ग की एक कौन सी विशेषता है इनमें? तो ये स्तन
स्तन जो है स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशेषता है जो छोटे बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज है, जो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए का फुल फॉर्म है। और एक होता है आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। तो एक केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करता है और मिट्टी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है केंचुआ, यार इसीलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल है खालिस्तान कहलाता है। तो ये कौन सा है जिसमें जीव जंतु का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ा जिसमें ये कीड़े मकोड़े आते हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा जानकारी बता देता हूँ। आर्थ्रोपोडा तो होता है जो ये है एक इनके जो आर्थ्रोपोडा में जो भी इंसेक्ट आते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, टिड्डा, झिंगा, तितली, बटरफ्लाई, ये इसके उदाहरण हैं आर्थ्रोपोडा के। और इनका ये पोषण कैसे करते हैं? ये परपोषी होते हैं जो ये आर्थ्रोपोडा में जो भी आते हैं तितली, कॉकरोच, टिड्डा, झिंगा, ये परपोषण द्वारा अपना ये परपोषी होते हैं इनका पोषण। और इनकी बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं आर्थ्रोपोडा वाले। और जो मोलस्को ये सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, इससे छोटा होता है मोलस्का। मोलस्का के एग्जांपल कौन से होते हैं? मोलस्का में ऑक्टोपस, घोंगा ये आते हैं। और जो प्लेटी हेलमिनथीज है, ये जो इनकी बॉडी होती है ये बाइसेक्सुअल होती है। तो ये जो ये जनन है तो ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से ये अपना जनन कर सकते हैं प्लेटी हेलमिनथीज। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? फीताकर्मी और फेसिओला, ये प्लेटी हेलमिनथीज के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है उस प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो संवेदन कहा जाता है उस प्रक्रिया को जिसके माध्यम से पत्तियों से जल का वाष्पीकृत हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? संवेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। तो सेलवाल से घिरी होती है, जो पादप कोशिका झिल्ली होती है वे सेलवाल से कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जटिल स्थाई उत्तक का एक उदाहरण है, तो इनमें से है फ्लोएम। फ्लोएम जो पौधों का एक जटिल स्थाई उत्तक का एक उदाहरण है। ये जटिल उत्तक एक तो फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। जो फ्लोएम होता है ये एक जीवित उत्तक होता है, फ्लोएम के होता है एक जीवित उत्तक होता है जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया गया होता है, तो ये भोजन को पत्तियों से लेकर शरीर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। और एक जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है? ये जड़ों के द्वारा जो जल है उसको लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है जाइलम। इसको जल संवहनी उत्तक भी कहा जाता है जाइलम को। जाइलम को जल संवहन उत्तक कहा जाता है और फ्लोएम को फूड संवहनी उत्तक कहा जाता है, यानी भोजन संवहनी उत्तक कहा जाता है फ्लोएम को। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों में एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। तो ये कौन सा होता है? ये स्टोमेटा रंध्र होता है जो पौधों में और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो पौधों में ये स्टोमेटा या जो छिद्र होते हैं ना रंध्र, उसके द्वारा पौधों और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान उच्च स्तरीय पौधों में वायव्य श्वसन का स्थान है। तो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, तो ये किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। जो हायर प्लांट होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज ए खालिस्तान रॉक, तो ये सेडिमेंट्री होते हैं। बालू जो पत्थर होता है एक खालिस्तान चट्टान है, तो ये अवसादी एक चट्टान है, बालू पत्थर अवसादी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सबसे छोटी कण वाली मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी में है सबसे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, सबसे छोटे छोटे कण वाली मिट्टी होती है चिकनी। अगला क्वेश्चन है, भूपटल कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का जो अर्थ का क्रस्ट होता है वे जो
ब्रोक वो इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसीज, उसको क्या कहा जाता है, इसको प्लेट्स कहा जाता है, यानी कि प्लेट्स जो टेक्टोनिक प्लेट ये होती है ना, ये उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेवर का शाफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो ये बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही बताया जाता है शाफ्ट ऑफ लेवर, ये जो मिट्टी मिट्टी को या भूमि को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बांस की लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ शीयरर, तो ये जो है शीयरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो ये ऊन निकालने के लिए किया जाता है। इसके जो हाथों जो मजदूर होते हैं, हाथों से और मशीनों से भेड़ों से ना जो ऊन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो जिससे ऊन निकाल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शीयर। ऊन निकालने के लिए जो एक हाथों से भी और मशीनों से भी उसके भेड़ों से ऊन निकालते हैं, तो उसको शीयर के द्वारा उसका उपयोग करके ही ऊन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंड विनोइंग या फटकना क्या है, तो ये अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है। फटकना ये जो थ्रेसर होते हैं ना, ये जो भूसे और अनाज को अलग कर देते हैं, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो ये फटकना और विंड विनोइंग कहा जाता है उस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा निम्नलिखित का मिलान करना, हमने फसलों का आवर्तन सॉरी फसलों की खेती और फसलों का उत्पादन और फसलों का संरक्षण, जो सबसे पहले जो सबसे आसान होता है उसका वो देख लेते हैं, जो है फसलों का संरक्षण है। फसलों का संरक्षण क्या होता है, ये फसलों की रक्षा और सुरक्षा करने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी, चौथे का सी, तो इसमें चौथे का सी कौन से में है, सी में और बी में है। तो फसलों का संरक्षण क्या हो जाएगा, फसलों को रक्षा और सुरक्षा करने की प्रक्रिया होगी। और फिर इसके बाद है फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन क्या होता है, ये भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाली उगाने की प्रक्रिया होती है। अगला है फसलों की खेती, फसलों की खेती क्या होती है, ये उपजाऊ भूमि जमीन पर फसल उगाने की क्रिया होती है फसलों की खेती। वो अगला है फसलों का आवर्तन, आवर्तन ये हो जाएगा डी लास्ट का, सिलसिलेवार तरीके से खेती में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने की प्रक्रिया होती है फसलों का आवर्तन। अगला क्वेश्चन है, घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये वन रोपण कहा जाता है, घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज, गुजरात में स्थित गिर का जंगल खालिस्तान है, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य दोनों है। गिर जंगल कहाँ पर है, जो गिर नेशनल पार्क है या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो जो उष्णकटिबंधीय वन है, ये जो इक्वेटर होती है भूमध्य रेखा उसके आसपास पाए जाते हैं, और इनमें चारों ऑप्शन में उसके आसपास अंडमान निकोबारी है, तो ये भारत में उष्णकटिबंध वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी में सही पाएगा, हाँ, वनों के प्रकार है और उनका वर्णन किया गया है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये है भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन नंबर बी, ए का बी इसमें सिर्फ एक में ही है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। और उत्तरीय वन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन तो ये ध्रुवों के निकट पाए जाते हैं। और भूमध्य वन समशीतोष्ण क्षेत्र के दक्षिण में पाए जाते हैं। तो ए का दो हो जाएगा, बी का एक, सी का चार, डी का तीन ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है, जो नाइट्रेट है, पारा है और सल्फेट है, तो ये केमिकल पोल्यूशन है। और ये कहाँ से निकलते हैं, ये किस इनसे रिलेट कहाँ से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज से, औद्योगिकों से संबंधित है नाइट्रेट, पारा और सल्फेट, और जो प्रोटोजोआ ये तो इससे संबंधित नहीं है, तो एक यही ऑप्शन बचता है प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन, धान के खेतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है, तो मीथेन होता है। पौधों धान के खेतों में सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है, मीथेन होती है, क्योंकि पानी धानों में पानी भरा रहता है और वहाँ पर जमीन दलदली होती है, जिसे मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के खालिस्तान हो जाता है। जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसे जो हाई एनर्जी रेडिएशन से क्या हो जाता है, तो ल्यूकेमिया हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है उनसे। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल में से आयरन और मैग्नीज निकालने में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है। जल में से आयरन और मैग्नीज निकालने में से इनमें से कौन सा जो तरीका है वो प्रभावी नहीं है, तो ये क्लोरीनीकरण तरीका प्रभावी नहीं है। बाकी जो चूना सोडा प्रक्रिया इससे भी अलग किया जा सकता है, आयरन आदान प्रदान की प्रक्रिया से भी किया जा सकता है, और मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया भी इससे भी किया जाता है। जो क्लोरीनेशन है ये क्या होता है, ये जो पानी में होता है जो जीवाणु और अन्य रोगाणु होते हैं ना उनको मारने के लिए इसका प्रयोग इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है क्लोरीनेशन का। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है। जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में वे किसे फिल्टर करता है, ये यूवीबी को, जो टाइप बी को उसको फिल्टर करता है। जो अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, ए बी और सी। जो सी है ओजोन लेयर यूवीसी जो अल्ट्रावायलेट सी होती है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जो यूवी है ये पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। जो ओजोन लेयर है ये यूवीसी को रोक लेते हैं, जो ए और बी है इनको नहीं रोक पाती यूवी। और जो बी है यूवीबी ये ए से स्ट्रॉन्ग होती है, यूवीए वीकर होती है, और जो अल्ट्रावायलेट बी से ही हमारे जो स्किन कैंसर होता है वो अल्ट्रावायलेट बी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसी प्रजाति का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जिनकी संख्या तेज़ी से घटती जा रही है और जो पृथ्वी पर से पूरी तरह गायब हो सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी से लुप्त हो जाते हैं वे लुप्त प्राय कहा जाता है उन्हें। अगला क्वेश्चन है, हवा जमीन और पानी के माध्यम से सजीवों के लिए समस्या पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। जो हवा में और जमीन के और पानी में जो जीव रहते हैं उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है, तो ये पोल्यूटेंट प्रदूषक की वजह से ही होती है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाता है, तो वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कचरा प्रबंधक के 4R का हिस्सा नहीं है, 4R वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये जो 4R मैनेजमेंट है ये कौन कौन से हैं, एक तो रिड्यूस है, दूसरा रिफ्यूज, तीसरा रिपेयर और चौथा है रिसाइकल। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो रिड्यूस भी है, रिफ्यूज भी है और रिसाइकिल भी है, लेकिन रिस्पोंड इसका 4R का वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। बाकी जो कौन सा है, रिसाइकल भी है, रीयूज भी है, रिड्यूस भी है, लेकिन रिपेयर नहीं है इसमें, रिस्पोंड की जहाँ रिपेयर होना था, तो रिस्पोंड इसका 4R का हिस्सा नहीं है। बाकी जो 4R है वे यही है, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल, ये वाटर मैनेजमेंट के 4R है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनिन नामक दवा का उपयोग किया जाता है जिसे खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है, तो ये क्विनिन है, ये सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है इसे क्विनिन को। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का अध्ययन जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में मिट्टी और उसके अवयव, उसके व्यवहार और उपयोग का अध्ययन शामिल होता है खालिस्तान का लाता है, तो ये सोयल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी, सोयल मैकेनिक्स कहा जाता है, जिसमें उसका अध्ययन किया जाता है मिट्टी के व्यवहार और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवसाधन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ खालिस्तान माइक्रोन से अधिक महीन मिट्टी के कणों के लिए किया जाता है, तो जो 75-75 माइक्रोन से अधिक महीन जो पतले मिट्टी कण होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। अवसाधन विश्लेषण का उपयोग सिर्फ जो 75 माइक्रोन से अधिक छोटे कणों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये दिख नहीं रहा, तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें जो पेपर नंबर 3 है वो भी जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू।